नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। पुतिन भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बनेंगे, खासतौर पर चुनाव के इन पहले इसकी कल्पना नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी है, या यूं कह लें कि ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी दरअसल राष्ट्रपति पुतिन होते जा रहे हैं। वो राजनीति जो पुतिन रूस में कर रहे हैं, भारत उस ओर बढ़ रहा है। और ये जो उन्होंने कहा है, उसे सरल शब्दों में इस तरह से समझिए कि खड़गे साहब आज भुवनेश्वर में थे और भुवनेश्वर में उन्होंने भाषण देने में जो नाराजगी बिहार वाली घटना की वजह से हुई है कांग्रेसियों में, उसे उबाल कर बाहर कर दिया। उन्होंने कहा यह आखिरी चुनाव है जो देश में होने जा रहा है, साल 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव, और इसके बाद जो होगा वो पुतिन स्टाइल का चुनाव होगा। वो चुनाव ऐसा होगा जिसमें 200-300 नहीं बल्कि 400 सीटें, 500 सीटें और यहां तक कि 543 की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 600 सीटें भी जीत जाएगी। ये कह दिया खड़गे साहब ने, क्योंकि ऐसा चुनाव होगा जिसमें लोकतंत्र का नामो निशान नहीं रहेगा, वो 2024 के बाद मिटता चला जाएगा और इसे अंजाम देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसी बात खड़गे साहब ने कही। क्या वजह हो सकती है इस तरह की, और इस तरह की तुलना जो है वो कितनी जायज है, कितनी नाजायज है? वजह तो साफ है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के जो तमाम साथी हैं, वो आखिर इंडिया गठबंधन से दूरी क्यों बनाना चाहते हैं। ये जिस बात को भी है कि हर वो व्यक्ति जो दूरी बना रहा है कांग्रेस को ही दोषी बता रहा है। ममता जी की बात कर लीजिए, अचानक से एक दिन उन्होंने कह दिया कि सभी सीटों पर बंगाल की तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी। अब राहुल गांधी लगातार कोशिशें करते रहे, बंगाल में न्याय यात्रा चल रही थी, ममता जी आ जाए, चिट्ठी लिखी खड़गे जी ने ममता जी को कि कुछ देर के लिए ही सही, आप साथ चल लीजिए राहुल गांधी के। राहुल गांधी अच्छी अच्छी बातें कहते रहे ममता जी के बारे में पूरी यात्रा के दौरान, नहीं आई ममता जी। और यात्रा पहुंच गई बिहार, और बिहार में तो खैर पूरे देश ने देखा कि क्या हुआ, और जाहिर है कि वो नाराजगी भी खड़गे साहब के अंदर थी कि अचानक से जो व्यक्ति सूत्रधार था, जिसने इंडिया गठबंधन की आधारशिला रखी, एक कल्पना किया कि हर सीट पर एक बनाम एक होगा, और एक फॉर्मूला दिया, और कुछ इस तरह का फॉर्मूला जिसमें कि दम भी दिखा, तमाम बैठकें हुई, पहली बैठक तो पटना में ही हुई और नीतीश कुमार ने उसे आयोजित किया। वही व्यक्ति जो हर बैठक में मौजूद था, चाहे वो बेंगलुरु में हुई, चाहे वो मुंबई में हुई, चाहे वो दिल्ली में हुई, और बड़ी भूमिका उसकी थी, एक दौर में संयोजक भी बनाना चाहते थे ज्यादातर उन्हें, वही व्यक्ति अचानक से छोड़ के निकल जाए उस गठबंधन को, जिसको जन्म देने का अधिकार उसने प्राप्त किया था, ऐसा जैसे कि कोई शामियाना लगा हो और जो सबसे उसमें निर्णायक खंभा हो वही निकल जाए और पूरा शामियाना ही गिर जाए, तो नाराजगी वहां भी थी। इस बात के लिए भी नाराजगी थी कि अचानक क्या है ऐसा कि ईडी वाले आ जाते हैं और फिर लंबी लंबी पूछताछ हो जाती है। आज का दिन कुछ वैसा ही रहा है, जहां हर जगह ईडी की जो पूछताछ है वो कभी आप झारखंड में देख रहे हैं, शिबू सोरेन लालू यादव से पूछताछ हो रही है, कल तेजस्वी यादव से भी होनी है, इसके अलावा संजय राउत के भाई से भी पूछताछ प्रस्तावित है, और ये तमाम पूछताछ सियासी तौर पर कमजोर करती हैं उन लोगों को जिनसे पूछताछ होती है। तो क्या
ये पूछताछ टाइमिंग के साथ होती है, नाराजगी इस बात की भी है कि अगर पूछताछ ना हो रही होती तो पूर्णिया में जो मंगलवार को राहुल गांधी की रैली है बिहार की, वहां पर तेजस्वी यादव और लालू यादव भी मौजूद होते, अब तो पटना में पूछताछ हो रही है। तो ये तमाम नाराजगी इस तरह से उबलकर सामने आई कि दरअसल लोकतंत्र का जो चक्का है वो हमारे देश में 75 साल चलने के बाद अब धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, और ये 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री तिबारा से बच जाते हैं तो पूरी तरह रुक जाएगा। खड़गे साहब का ये कहना है कि हमने जो किया अभी तक वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हमने लोकतंत्र को बचाया, हमने अभी तक लोकतंत्र को अक्षुण रखा, और तभी तो इसी लोकतंत्र के बूते मोदी जी मुख्यमंत्री बने, इतने साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बने, लोकतंत्र था तभी तो बने, और अब देखिए लोकतंत्र ही खत्म हो रहा है। और उन्होंने कहा यह सब कुछ पुतिन की तरह हो रहा है, तो जाहिर है कि पुतिन के बारे में भी समझना चाहिए हमें। पुतिन साहब 1999 में पहली दफा रूस के प्राइम मिनिस्टर बने थे, 1999 से 2000 के बीच में वो प्राइम मिनिस्टर थे, और राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन वो जब हटे तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, और फिर साल 2000 से लेकर 2008 तक वो प्रेसिडेंट रहे, 2008 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि देखिए दो टर्म के बाद हटना पड़ जाता है, वहां चार चार साल के टर्म होते हैं, तो 2012 तक वो रहे प्राइम मिनिस्टर, और फिर 2012 में जो वो प्रेसिडेंट बने तो लगातार अभी तक वो देश के राष्ट्रपति हैं। और यूं देखें तो 2000 से अभी तक 24 साल, और 99 में सत्ता में आए थे तो 25 साल तो हो गए, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले करीब 10-11 साल भी कुछ वहां संवैधानिक जो बदलाव किए गए हैं पुतिन के द्वारा वो उन्हें इस बात की इजाजत देते हैं कि वो सत्ता में रह सकते हैं। कोई व्यक्ति 35-36 साल सत्ता में कैसे रह सकता है? जाहिर है कि लोकप्रियता जो है वो ही केवल आधार नहीं है, आधार ताकत है। पुतिन के बारे में पश्चिमी मीडिया हमेशा ये कहता है कि वहां मानवाधिकारों की कमी है, वहां लोगों के जो हक हुकूक है वो अपने आप में सुरक्षित नहीं है, वहां पर मीडिया को और बाकी आम लोगों को, यहां तक कि जो सरकार की संस्थाएं हैं उसे पुतिन की तरह और पुतिन के इशारे पर काम करना पड़ता है। तो क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? क्या ये तुलना दरअसल ये बताने के लिए है कि लोकतंत्र हमारे देश में आखिरी सांसें गिन रहा है? खड़गे जी की माने तो दरअसल वो यही कहना चाह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने एक डिक्टेटर के तौर पर जिन्हें देखा जाता है व्लादिमीर पुतिन को, जो कि फॉर्मर केजीबी के स्पाई थे, जासूस थे, उनसे तुलना प्रधानमंत्री मोदी की कर दी है, और साल 2024 को इस देश का आखिरी चुनाव बता दिया है। ये बौखलाहट हो सकती है, ये एक कयास हो सकता है, ये भीतर का डर या उत्तेजना हो सकती है, लेकिन खड़गे साहब हैं पुराने नेता और दक्षिण से आते हैं, बढ़िया हिंदी बोलते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी उनकी इतनी ज्यादा थी कि नीतीश कुमार जो है वो थोड़े परेशान हो गए, और उन्हें लगा कि अगर 1% कहीं जीत हो जाती है, इंडिया गठबंधन की संभावना बन जाती है, तो फिर प्रधानमंत्री तो खड़गे होंगे, हम तो होंगे नहीं। जाहिर है कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया और वो निकल गए एनडीए में, जहां उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो सुरक्षित रहेगी। तो ऐसे कद के नेता खड़गे, और उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के बारे में G20 के देशों के साथ भारत के विचार साझा किए, प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार इस बात को कहते थकते नहीं कि हमारा देश जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है,
वैशाली गणराज्य में सबसे पहले कल्पना हुई थी लोकतंत्र की, और ऐसे में अब यह आरोप भी लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती है देखते हैं, और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरह के आरोप आने वाले दिनों में बढ़ेंगे और साल 2024 के चुनावी मुद्दे में तब्दील हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं, अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर दीजिए, और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 24 से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।